दोस्तों, बारिश के कारण दीवारों से कैसे पानी निकल रहा है, ये इधर दीवार से निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस पहाड़ी ब्लॉगर जीवन वर्मा आपके सामने नई वीडियो लेके आया दोस्तों। जो हमारे वहाँ का यातायात ठप हो चुका था, ये ऊपर की चट्टान टूटने से राष्ट्रीय राजमार्ग वो खुल चुका है, और रात में जो आया जेसीपी आई हुई थी और वो उसने खोला ना, पोगलैंड आई थी उसने खोला, तो सुबह ये रोड मिनिमम 6 बजे के समथिंग खुली हुई है। 3 बजे, अच्छा चलो 3 बजे खुली हुई है। और जो बचे हुए पत्थर स्थानीय लोग हटा रहे हैं, ये बेचारे कल भी हटा रहे थे और आज भी हटा रहे हैं। भैया, ये पत्थरों का क्या करोगे आप, कुछ बताते हैं? दीवार बनानी है सर। अच्छा, दीवार बनानी है क्योंकि इनकी बरसात में दीवार बह चुकी है। तो ये दोस्तों लोग, भाई लोग जो भी हैं, ये अपनी दीवार के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। एक पंथ दो काज हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जो भी इस रास्ते सफ़र करना चाहता है यात्री, वो अब सफ़र कर सकता है, मगर ज़रूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी। आप दीवार भी टूट चुकी है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दीवार टूट चुकी है नीचे। ये हमारे नरी भाई हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कितना डरावना मंजर है यार, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए कितना डरावना मंजर है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक गाड़ी भी गिरी हुई थी जिसमें 29 लोगों की डेथ हुई थी। जो ये स्लाइडिंग हुई थी यहाँ पे, की दीवार भी गिर चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए आधी रोड भी चले जा चुकी है यहाँ पर की। ये देखिए, ये आपको डामर दिख रहा है यहाँ पे, और ये मैं आपको पत्थर डाल के दिखाता हूँ, ये दीवार पूरी जा चुकी है, ये चुकी है यहाँ पे। ए, यहाँ पे जो को पत्थर लगा दिया थोड़े किनारे में, 2-4 नमस्कार दोस्तों, अलविदा लेते हैं आज के ब्लॉग से, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, धन्यवाद।